हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जूस लाइफ। आज हम बनाने वाला है टू टाइप्स ऑफ नेचुरल जूसेस। फ्रेंड्स, देखते ही परेशान मत हो जाएगा, दोनों भी जूसेस एकदम हेल्दी एंड टेस्टी है। फ्रेंड्स, माँ प्रकृति ने जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए है ना, तो उसी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से मैंने ये दोनों भी जूसेस बनाए हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें कौन से वेजीज और फ्रूट्स लगेंगे आज मैं आपको बताऊंगी, और इस जूसेस को पीने से क्या फायदे होते हैं वो भी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। ये जूस दिखने में जितना ब्यूटीफुल है ना फ्रेंड्स, लगने में तो उतना ही टेस्टी है। उसे बनाने के लिए हमें लगेगा थोड़ा सा स्पिनेच, एक कुकुम्बर, मिंट, ग्रेप्स एंड लेमन, बस। तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, इसके ऊपर के पील्स निकाल लेना है कुकुम्बर के ऊपर के, और हमें इसे रफली चॉप करना है। और सेकंड, रेड जूस बनाने के लिए हमें लगेगा वाटरमेलन, पोमोग्रेनेट, बीटरूट, टोमेटो एंड कैरेट, बस। और थोड़ा सा लास्ट में हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन जूस बनाएंगे। इसे बनाने के लिए स्पिनेच को मैंने रफली चॉप किया है। सबसे पहले हम इसमें कुकुम्बर ऐड करेंगे। इट इज़ हाई इन न्यूट्रिएंट्स, कुकुम्बर आर लो इन कैलोरीज बट हाई इन मेनी विटामिन्स एंड मिनरल्स। इट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट, इट प्रमोट्स हाइड्रेशन, इट हेल्प्स इन वेट लॉस, इट मे लोअर ब्लड प्रेशर एंड शुगर लेवल ऑल्सो, ईजी टू ऐड टू यूर डाइट। सेकेंडली स्पिनेच। Spinach is rich in many nutrients including vitamin A, vitamin C, K, iron, folate and potassium. It is good for eyes also. Now talk about grapes. Grapes are good source of potassium and minerals. It lowers the blood pressure and lower the risk of heart diseases. हमने इसमें अच्छा स्वाद देने के लिए mint add किया था friends. Mint contain fair amount of several nutrients and specially good source of vitamin A and antioxidant which reduces inflammation in our stomach. Friends, आपके पास अगर ऐसा juicer नहीं है तो no problem, आप simply mixer jar में डाल के इसे पीस के एक पतले कपड़े में छान कर जूस निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें अक्सर फल और सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन हाल ही में नई स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि फल और सब्जियों का जूस पीना भी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि हमें इससे पूरे फायदे मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो फाइबर बचता है ना वो इसमें वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वो फाइबर भी यूज कर सकते हैं, तो हो गया ना डबल फायदा, फाइबर भी मिल गया और पूरे न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए। तो इस तरीके से सबसे लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। जूस बनाने के बाद भी आप इसे डाल सकते हैं, लेकिन पूरा इसमें मिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बनाएंगे दूसरा जूस, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है चुकंदर यानी कि बीटरूट। कितना खूबसूरत है ना फ्रेंड्स, चुकंदर दिखने में ऊपर से सख्त दिखता है लेकिन अंदर से कितना ब्यूटीफुल है। नेचर ने इसे बहुत ही खूबसूरत बनाया है फ्रेंड्स। तो इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, तो इसके फायदे लेने के लिए हमें इसे जरूर हमारे डाइट में यूज करना चाहिए। उसके बाद लगेगा हमें वाटरमेलन, पोमोग्रेनेट, टोमेटो और कैरेट। इन्हें भी हम अच्छे से चॉप करके जूसर में डाल लेंगे और इसका भी जूस बनाएंगे। इसमें हमने पूरे रेड कलर के वेजेस एंड फ्रूट्स यूज किए फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको अनार के बारे में बताती हूँ। अनार में फाइबर, विटामिन के, सी, बी, आयरन, पोटेशियम, जिंक और ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमें हेल्दी रखने में बहुत ही फायदेमंद होता है। अनार में फॉलिक एसिड होता है जो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अनार खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है और अल्जाइमर जैसी बीमारी को धीरे धीरे कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स रहने से भी यह सुपर फ्रूट माना जाता है। अब बात करेंगे वाटरमेलन के बारे में। वाटरमेलन में फाइबर, पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए, सी, बी से समृद्ध फल है और इसमें
लिकोपिन नामक एक तत्व होता है जो ज्यादा इसे खास बनाता है, जिसके वजह से वाटरमेलन रेड दिखता है। हर चीज हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है फ्रेंड्स, लेकिन अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में खाए तो। अब इसमें डालेंगे हाफ लेमन जूस। मैंने जूस बनाते समय नहीं डाला था, इसलिए मैंने अभी डाला है फ्रेंड्स। अब तो बच्चों को क्या फ्रेंड्स, बड़ों को भी पता नहीं लगेगा कि हमने इसमें बीटरूट डाला है और इसमें स्पिनेच डाला है। तो आप भी इसे जरूर बनाएंगे ना फ्रेंड्स, आप इसे जरूर बनाएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये जूस कैसे लगे, इन दोनों में से आपको कौन सा जूस अच्छा लगा मुझे जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और ये जूस बनाते समय एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फ्रूट्स 20% और वेजिटेबल्स 80% ही लीजिएगा। जूस बनाने के बाद जो फाइबर रिमेन रहता है ना, उसे अच्छे से मिक्सी जार में और एक बार पीस लीजिएगा और आटा गूंथते समय उसमें डाल लीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट रोटी तैयार हो जाती है। तो देखिए आपके सामने दोनों भी जूस है, आपको दोनों भी जूस के फायदे जरूर लेना है फ्रेंड्स। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये जूस कब पीना है। ये जूस हम सुबह जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसके बाद भी पी सकते हैं और शाम के 4-5 बजे भी इसे जरूर पी सकते हैं फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, बहुत ही हेल्दी होता है। ये ग्रीन जूस एंड रेड जूस जो कि हमने माँ प्रकृति के बनाए हुए चीजों से ही बना है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और हमने ये जूस बनाते समय इसमें आर्टिफिशियल शुगर नहीं डाली है फ्रेंड्स, इसीलिए ये बहुत ही हेल्दी है। नेचुरल स्वीटनेस हमने इसमें ऐड किया है और लेमन जूस भी, जो इसे बहुत ही हेल्दी बनाता है। अगर फ्रेंड्स आप हफ्ते में एक बार बॉडी डिटॉक्स करने के लिए उपवास रखते हैं ना, तो उस दिन इसे जरूर पी सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमने जो वेजीज एंड फ्रूट्स डाले हैं ना, उसे बदल कर ही, मतलब चेंज इन फूड इज गुड फॉर आवर हेल्थ। दोनों भी जूसेस फुल्ली नरिशिंग जूस है फ्रेंड्स। आपके घर में अगर कोई मेहमान आए ना, तो उन्हें भी ऐसे जूस जरूर पिलाएगा, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। बच्चों से लेके बड़ों तक ये जूस सबको पसंद आएगा फ्रेंड्स। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें आर्टिफिशियल शुगर या नमक हमें नहीं डालना है, इसी तरीके से बनाना है। आप एक बार इसे जरूर बना कर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स आप ये रेसिपी को जरूर शेयर करिएगा ताकि सबको इसकी बेनिफिट्स मिल सके। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।